नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली के शुभ अवसर पर चंद्रकला बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए बनाते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 250 ग्राम मैदा लिया है। इसे हमने छान लिया है। इसमें हम लगभग 75 ग्राम घी डालेंगे। इसका हम मोइन बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैदा में हमने घी मिक्स कर लिया है। इस तरह का होना चाहिए, ये परफेक्ट है एकदम। अब हम इसका डो बना लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, न तो टाइट रहेगा न नरम, सेमी टाइट आटा गून लेते हैं। मोइन में हमने यहाँ पर घी डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। इस तरह का हमने डो लगा लिया है। अब हम इसे 15-20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। चंद्रकला में भरने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम जितना खोआ लिया है, जो हमने घर में तैयार किया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स है, काजू और बादाम है, उसको हमने क्रश कर लिया है। 3-4 इलायची पाउडर है, छोटी इलायची है, 4 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है। अब हम इसे भून लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें 1 चम्मच हम घी डाल लेते हैं। गैस फ्लेम स्लो कर लेंगे। इसमें हम ये ड्राई फ्रूट भून लेते हैं। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना होता है, सिर्फ नमी निकलने तक हम भूनेंगे। ड्राई फ्रूट की नमी निकल गई है। इसे हमने लगभग 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसी में ये खोआ डाल लेते हैं। गैस फ्लेम एकदम स्लो है। खोआ को हमने 2-3 मिनट भून लिया है, क्योंकि हमने पहले ही अच्छी तरह से उसको भून लिया था। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं और गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। गैस फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। मसाला बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। डो को रेस्ट करते हुए 15-20 मिनट हो गए। अब हम इसे मसल लेंगे और इसकी बड़ी बड़ी लोइयां काट लेंगे। इस लोया से हम बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। हमने यहाँ पर बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब हम इसे इस तरह का कोई ढक्कन या और आपके पास कुछ हो तो उससे काट लीजिएगा। इस प्रकार हम सारी रोटी की पूरियाँ निकाल लेते हैं। इस एक्स्ट्रा पीस को भी हम बाद में यूज कर लेंगे। ये इस तरह के मोटे हैं। अगर आपको लगे थोड़ा मोटा है तो आप 1-2 बेलन इस पर मार लीजिएगा। अब हम इसमें मसाला भर लेते हैं। चारों तरफ हम पानी लगा लेते हैं और इसे इसके ऊपर रखते हुए इस तरह हम चिपका देंगे और इसका हम शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए, ये देखिए। यहाँ पर हमने कुछ चंद्रकला बनाकर तैयार कर लिए। ये इस प्रकार की है, देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चंद्रकला फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है। जितने तेल गर्म होता है उतने समय हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है। चीनी का आधा हमने पानी लिया है, या फिर आप जितनी चीनी डूब जाए उतना पानी ले सकते हैं। अब हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस फ्लेम मीडियम रखा है। चीनी गलने तक हम इसे चला लेते हैं।
मिर्च पाउडर डालूंगा। 2 मिनट और इसको पका लेते हैं। चाशनी देखिए तैयार हो गई है, ये इस तरह से देखिए ये बन गई है। अब हम इसे पानी में चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए पानी में घुल नहीं रही है। अब गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। छोटी इलायची का पाउडर डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है, हमने इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म किया था। अब हम गैस को एकदम स्लो कर देते हैं और स्लो फ्लेम में ही हम इन चंद्रकला को तलेंगे। इसको हम एक बार उलट लेते हैं। गैस फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे क्योंकि ये मैदा की चीज है और ये हल्की आंच में ही सिकनी चाहिए। चंद्रकला फ्राई हो गई है, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर कलर आया है। अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। चंद्रकला को हम गरम गरम चाशनी में ही हम डिप कर लेते हैं। गैस फ्लेम बंद करेंगे लेकिन चाशनी थोड़ी गरम रहनी चाहिए। आधा मिनट हमने इसे चाशनी में रखा है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस प्रकार सारी चंद्रकला को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने चंद्रकला बना ली है, ये एकदम बन के तैयार है। इसे हम पिस्ता और केसर से गार्निश कर लेते हैं। चाहे तो आप इसमें चांदी का वर्क लगा सकते हैं लेकिन आजकल मार्केट में चांदी का वर्क नकली आता है, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। इसमें 1-2 दाने केसर के भी डाल लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आती है केसर की और खाने में भी स्वाद को बढ़ा देता है। यहाँ पर हमने चंद्रकला बनाकर तैयार कर ली है, इसे आप दिवाली पर आप भी खाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में डालिए। रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए।